नया अंदाज, नया तेवर, बड़ी नजर, सही खबर, हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का चौकीदार, मेट्रो मुंबई। नमस्कार, मैं तृप्ति सिंह और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। मेट्रो मॉर्निंग की इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आज नजर डालेंगे मुंबई की कुछ प्रमुख खबरों पर। कल यूक्रेन में हुए युद्ध में रूसी हमलों में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। कर्नाटक के रहने वाले 21 साल के नवीन ने अपनी जान गंवा दी थी। रूसी हालांकि हमला किस तरफ से हुआ ये साफ तौर पर अब तक पता नहीं चल पाया है। कर्फ्यू हटने के बाद जब नवीन के घर पर खाने का सामान नहीं था तब वो किराने की दुकान पर बाहर गए थे और उसके बाद 21 साल के नवीन की हमले में मौत हो जाती है। इस हमले के बाद बहुत ज्यादा कह सकते हैं हड़कंप मच जाता है। आप ये साफ साफ दृश्य देख सकते हैं। कल दोपहर ये जो हमला हुआ इसमें भारतीय छात्र 21 साल की, ये फोर्थ ईयर में मेडिकल स्टूडेंट के नवीन एक मेडिकल स्टूडेंट थी जो फोर्थ ईयर में थी, वो अपनी पढ़ाई पढ़ रही थी। कर्नाटक से नवीन रहते थे लेकिन वो लगातार कई मेहनत से अपनी पढ़ाई पढ़ रहे थे लेकिन कल हुए इस युद्ध में जब वो अपने खाने के सामानों को लेने बाहर गए थे इस हमले में, इस गोलीबारी में नवीन की जान चली जाती है। और इसके बाद नवीन के पिता से पीएम नरेंद्र मोदी भी फोन पर बात करते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब 21 साल के नवीन की जो मौत है उसकी वजह किसको बताया जाएगा। 21 साल के नवीन ने तो अपनी जान गंवा दी। इसके बाद अब लगातार पीएम मोदी ने जो भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंसे हैं उन्हें लाने की कोशिश तेज कर दी है। आज 7 विमानों से 1400 भारतीय नागरिक वापस लौटेंगे ताकि और भारतीयों की मौत इन हमलों में ना हो। तो अगर मुंबई में दूसरी खबर की बात करें तो अब बाइक पर साइलेंसर, आपके बाइक पर जो साइलेंसर लगा होता है उससे कई ज्यादा प्रदूषण फैलता है, कई आवाजें आती है। और अब बाइक पर तेज साइलेंसर लगाने के बाद आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है या जेल भी हो सकती है। ये नए नियम लागू किए गए हैं। इसके मुताबिक बाइक पर अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप बाइक सवारी कर रहे हो तो उस वक्त अगर आपकी बाइक पर मॉडिफाइड साइलेंसर नहीं रहा तो पुलिस आपका बाइक जब्त कर सकती है और उसके बाद आपके साइलेंसर को भी तोड़ दिया जाएगा। जुर्माने का भी प्रावधान अधिक है, 3 महीने की जेल हो सकती है या आपको 10,000 जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये जो मॉडिफाइड साइलेंसर होता है ये बेहद हानिकारक होता है, इससे कई तरह के प्रदूषण फैलते हैं और इस वजह से ही ये नियम, ये जो कह सकते हैं मुंबई पुलिस ने ये नियम लागू किया है। अब तक 150 से ज़्यादा वाहन चालकों पर कार्रवाई भी की जा चुकी है। तो अब आप ध्यान रखिए कि जो ये कान फाड़ू साइलेंसर आप अपने बाइक पर लगाते हो, अगर आपने वो साइलेंसर लगाए तो अब आप पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। मुंबई में बिजली संकट गहरा गया था। रविवार को मुंबई में बिजली कटौती हो गई थी। लगभग 90 मिनट तक बिजली कटौती की वजह से लोकल सेवा भी कहीं ना कहीं ठप हो गई थी। 1 घंटे तक मुंबई के प्रमुख इलाकों में, चर्चगेट से विरार तक कह सकते हैं मुंबईकरों को बिजली संकट का सामना करना पड़ा था। और उसकी वजह ये बताई गई ओवरशेडिंग की वजह से ये जो कह सकते हैं ये बिजली संकट आया था मुंबई पर। 1 घंटे तक मुंबई अंधेरे में थी। सीएसटी जो प्रमुख स्टेशन माना जाता है मुंबई का, वो भी अंधेरे में था। और इसकी वजह ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने साफ तौर पर ये कहा कि कई लोगों ने बिजली बिल नहीं भरा है और बिजली बिल ना भरने की वजह से ये सारी परेशानी हो रही है, लोड शेडिंग की वजह से परेशानी हो रही है। तो इसलिए साफ तौर पर ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने ये कहा है कि अगर आपको ये बिजली संकट जो है रोकना है, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में कोयले की भी कमी हो रही है और अगर बिजली संकट ना आए, अगर आपके घरों की बिजली यूं ही बनी रहे तो इसका सिर्फ एक साफ तरीका है, वो है कि आप बिजली बिल अपना समय पर भरें। चंद्रपुर थर्मल पावर से अब मुंबई में भी प्रदूषण बढ़ा है। हालांकि कह सकते हैं कि मुंबई में इसका कहीं ज्यादा असर नहीं पड़ा है लेकिन 100 से ज्यादा लोग अब तक अस्थमा का शिकार हो चुके हैं। जो चंद्रपुर थर्मल पावर प्लांट है उससे निकलने वाली जो प्रदूषण है उसकी वजह से कई तरह के जो कह सकते हैं प्रदूषण फैलते हैं और इन प्रदूषण के शिकार होने की वजह से 100 से भी ज्यादा लोग
100 से भी ज्यादा लोग दमे के शिकार हो चुके हैं, यानी अस्थमा के शिकार हो चुके हैं। वहीं 2020 में एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में अब तक 30 लोगों की ज्यादा मौत हो चुकी है। इसकी अगर संख्या की बात करें तो इसमें दिल्ली में कई ज्यादा मौतें हुई हैं। दिल्ली में जो मौतों का प्रतिशत है वो कई ज्यादा है। दिल्ली में हजारों की संख्या में लोग मरी है, लेकिन मुंबई में जो है इसमें 2020 में 30 की मौत हुई है। ये चंद्रपुर थर्मल पावर प्लांट है, ये काफी हानिकारक बताया जा रहा है। इससे निकलने वाले धुएं की वजह से वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो काफी गिर जाता है। LIC जिससे करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं, LIC बीमा योजना का जिसे करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं, इस साल उन्हें कहीं ना कहीं झटका लग सकता है। IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स जो हर साल अपनी नई रेटिंग्स निकालता है फरवरी से मार्च के महीने में, उसे इस साल शायद रद्द किया जा सकता है। फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं आया है, लेकिन ये संभावना जताई जा रही है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध जारी है उसकी वजह से लगातार शेयर मार्केट में भी गिरावट आ रहा है। और इस वजह से कहा जा रहा है कि जीवन बीमा निगम यानी LIC का मेगा IPO रूस यूक्रेन संकट के कारण टल सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ये इंटरव्यू में ऐसे संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संकट को देखते हुए सरकार LIC के IPO लाने की तारीख की समीक्षा कर सकती है। और वहीं सूत्रों का भी कहना है कि अब IPO जो है वो लॉन्च की तारीख में बदलाव कर सकती है और इसका साइज भी छोटा किया जा सकता है, लेकिन इसका फैसला जल्द करना होगा क्योंकि सरकार के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। अब देखना होगा कि इस पर सरकार क्या फैसला लेती है, लेकिन LIC के यूजर्स के लिए है ये एक बुरी खबर। GST 2017 में लागू हुआ ये प्रावधान, टैक्स भरने का, गुड सर्विस टैक्स भरने का प्रावधान जो ये लागू किया है वो अब कहीं ना कहीं सरकार की झोली भरते हुए दिखाई दे रहा है। GST में जो लगातार चेंजेस किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार की झोली भरता हुआ नजर आ रहा है। GST से सरकार ने कई ज्यादा मुनाफे कमाए हैं। अगर इस साल की बात करें तो GST से अब तक 1,33,000 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई मोदी सरकार कर चुकी है। केंद्र सरकार के पास लगातार पांचवें महीने GST के जरिए 1.3 लाख करोड़ रुपए आए हैं। और वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को जो रिपोर्ट जारी की उसके मुताबिक फरवरी में जो GST संग्रह है वो सालाना आधार पर 18% बढ़ा है, यानी 18% की उसमें बढ़ोतरी हुई है। और इस वजह से जो सरकार को है वो लगातार फायदा मिल रहा है। GST की वजह से कह सकते हैं कि सरकार को कहीं ना कहीं काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपनी रिपोर्ट में इसके बारे में बताया था कि 1,33,000 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई अब तक सरकार जीएसटी के द्वारा जुटा चुकी है। BMC जिसे एशिया की सबसे महंगी महानगर पालिका कहा जाता है उस पर अब एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। हालांकि उन्होंने इस बार नाला सफाई के लिए ठेका दिया है, ठेकेदारों को जो ठेका दिया है वो 150 करोड़ रुपए का है, यानी कि जो भी नाला सफाई का काम होगा उन्हें काफी अच्छे तौर तरीके से किया जाएगा। और BMC ने इसकी शुरुआत भी कहीं ना कहीं कर दी है। मुंबई के लोकल से इसकी शुरुआत की जा चुकी है, जहां पर लोकल लाइन पर अंडर टनल बन रहे हैं, जहां पर सफाई का काम कह सकते हैं जारी हो गया है। लेकिन अब देखना होगा कि इस पर और कितने कह सकते हैं और कितने प्रावधान लाए जाते हैं और कितने अच्छे तरीके से BMC इस पर काम करती है, ये देखने वाली बात होगी। अगर अगली खबर की बात करें तो वो है कोस्टल रोड परियोजना, यानी महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे का, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कोस्टल रोड परियोजना, जिस पर कई ज्यादा पैसे खर्च भी किए जा रहे हैं। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक ये ड्रीम परियोजना, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की जो ये ड्रीम परियोजना है वो कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो रही है पर्यावरण के लिए। इस पर रोक नहीं लगाया जा सकता क्योंकि ये मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इससे कई लोगों को एक तरफ से फायदा तो मिलेगा ही, लेकिन जो रिपोर्ट अभी फिलहाल सामने आ रही है उसके मुताबिक जो मुख्यमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है उसकी वजह से पर्यावरण को काफी दुष्प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरण अनुकूल रहेगा, जो प्रदूषण है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन में भी राज्य से होने वाले नुकसान का उल्लेख किया गया है कि गर्मी बढ़ जाएगी शहर में। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की ये रिपोर्ट में बताया गया है, इन्होंने ये जो छठा रिपोर्ट इस साल बताया है उसमें बताया गया है कि ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला सकता है, कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक साबित हो सकता है।
2 मार्च यानी आज से जो बीएमएस के कर्मचारी हैं वो निजीकरण के लिए महाआंदोलन करेंगे। सेंटा क्रूज डिपो में, ये जो कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा डिपो माना जाता है, वहां पर कई कर्मचारी जुटेंगे, जहां उनका कहना है कि निजीकरण किया जाए। जहां बीएमसी की बसें लगातार कम की जा रही है, इस वजह से उन्हें कहीं ना कहीं काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं आज जो कह सकते हैं ये आंदोलन, बीएमसी का ये महाआंदोलन कोविड प्रतिबंधों के बाद ऐसा पहली बार होगा कि ये आंदोलन होगा। कोविड के प्रतिबंध जरूर धीरे धीरे हटने लगे हैं, लेकिन अब बेस्ट बस में भी कोरोना के पहले जैसी हालात बन रही है। जैसे कोरोना के पहले लगातार लोग आते जाते थे, वही हो रहा है। लेकिन 2 मार्च को ये एक दिन का महाआंदोलन आज करने की तयारी है। सूत्रों के मुताबिक प्रतीक्षा नगर और सेंटा क्रूज जो बस डिपो का उपयोग है, इस आंदोलन के लिए किया जाएगा। इस दौरान ये कहा जा रहा है कि बेस्ट की बसों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और जो ठेकेदार हैं वो कहीं ना कहीं इसका फायदा उठा रहे हैं, और इस वजह से ये आंदोलन एक दिन का महाआंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। पानी जो हमारे जीवन की मूलभूत सुविधाओं में से एक है, अब मुंबई में जो बीएमसी ने नए प्रावधान लाए हैं, नए नियम लाए हैं, उसके मुताबिक कुछ दिनों तक मुंबई में रोजाना जिस समय अगर पानी का समय आधा घंटा है तो उसमें 15% की कटौती होगी। यानी पानी का जो समय है, पानी 15% की कटौती होगी, 15% कम समय, 15% जो पानी है वो कम आएगा। बीएमसी ने ये निर्देश दिए हैं। मुंबई कर अब पानी का इस्तेमाल कम करें, ये बीएमसी ने साफ तौर पर कह दिया है, क्योंकि नगर निगम ने मुंबई में 15% पानी कटौती की घोषणा कर दी है। क्योंकि भाटसा झील में हाइड्रो स्टेशन में कुछ प्रमुख तकनीकी खराबी की वजह से ये निर्णय लिया गया है कि रोजाना निर्धारित समय के मुताबिक अब मुंबईकरों को 15% कम पानी मिलेगा। यानी जो समय के मुताबिक होगा उसमें पानी की उन्हें कटौती होगी। रोजाना 3,850 मिलियन लीटर से ज्यादा बीएमसी में पानी की आपूर्ति की जाती है, लेकिन कुछ दिनों तक तकनीकी खराबी की वजह से मुंबईकरों को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये थी मुंबई की प्रमुख खबरें, यानी आज की होने वाली तेज हलचल जो मुंबई में आज की सबसे बड़ी खबरें हैं। और कल मैं फिर मेट्रो मॉर्निंग की इस बुलेटिन के साथ आपके सामने हाजिर रहूंगी, जहां मुंबई की तमाम बड़ी और प्रमुख खबरें आपके सामने रखूंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेट्रो मुंबई पर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।